अनिल भाई, आपने जो उप अधिकारी को जो निवेदन दिया गया, इस निवेदन मजमून क्या था आपका? आज सभी पक्ष में पक्ष ने भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस, शरद पवार गट, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार गट, वंचित बहुजन आघाड़ी, संभाजी ब्रिगेड, MIM और इसके साथ में और कुछ संगठन ने एक उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्री दिनेश कुले साहब को हमने आज सभी ने उनसे मुलाकात की और उनको एक निवेदन दिया गया। इस निवेदन के अंदर ये मांगनी की गई कि सिल्लोर शहर में आज बड़े पैमाने पर सट्टा पट्टा पट्टों के क्लब ये जगह जगह पर जो तो चालू है, इससे गरीब जनता जो है परेशानी बेहाल है और अभी जो तो दुष्काल की परिस्थिति है। आज सिल्लोर शिवगांव तालुके के अंदर दुष्काल गिरा हुआ है और इस दुष्काल की परिस्थिति में जो तो आज सिल्लोर शहर के अंदर शेर पुलिस निरीक्षक शेषराव उदार इनके आशीर्वाद से इनके आशीर्वाद से जो है तो जगह जगह पर सट्टा पट्टा तितली गांजा अवैध दारू अवैध व्यवसाय हर जगह पे चालू है, तो इससे गरीब जनता का जो यहाँ पे आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसके साथ में ही शेरपुर स्टेशन के रामानंद बुधवंत इनकी जो तो मनमानी पिछले अनेक दिनों से सिल्लोर शेरपुर स्टेशन के अंदर बढ़ गई है। मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करना, उनपे जो है तो खोटे गुनाह दाखिल करना, उनको मारहाण करना, गाली गलौज करना, ये प्रकार जो है तो रामानंद बुधवंत कर रहे हैं। तो हमने आज मांगनी की है एक सर्वपक्षीय ने कि सिल्लोर शहर की में जो चल रहे अवैध धंधे बंद किया जाए और शेर पुलिस के PI श्री शेषराव उदार और पुलिस कर्मचारी रामानंद बुधवंत इनकी सिल्लोर शेर पुलिस स्टेशन से बदली की जाए, क्योंकि जब से ये लोग सिल्लोर शेर पुलिस स्टेशन के अंदर आए हैं तब से जो है तो सिल्लोर शहर के अंदर माहौल ही जो है खराब हो गया है। अगर कोई वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता या राजकीय पुढ़ारी शेर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है कुछ काम के लिए एखादे नागरिक के काम के लिए जाते हैं तो ये लोग जो है तो पूछते तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। अगर आप इसके बाद कभी आप यहाँ पर आए तो हम तुम पे जो तो बोगस गुना दाखिल करेंगे, तुमको अंदर डाल देंगे, ऐसा करके जो तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का और यहाँ के पुढ़ारियों का जो तो आवाज दबाने की काम जो है तो पिछले अनेक दिनों से शेरपुर स्टेशन के अंदर चल रहा है। अभी हाल ही में जो है तो 4 तारीख के दिन औरंगाबाद नाके पर घटना हुई, उस घटना में जो है तो अजंठे की एक मुस्लिम लेडीज थी, उनके साथ दो उनका घर वाला, वो लेडीज का घर वाला उनका एक देवर था और पुणे से एक गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी के दोनों के बीच में एक भिड़त हुई। जो पुणे से जो गाड़ी आ रही थी उसके अंदर 4 से 5 युवक नौजवान बैठे हुए थे और वो नौजवान जो है तो दारू के नशे की हालत में थे, उन्होंने उस लेडीज के साथ जो तो गलत हरकत की और उस लेडीज के जो देवर है उस देवर को मार ठोक की। जब हमें पता चला तो हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे पहले से ही पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तो पुलिस ने उल्टा जो हमको ही बोले कि आज यहाँ पे आप तुम काय को आए, तुमने यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, तुम आने की वजह से यहाँ पे तो जमाव जम गया है, इसलिए आप हम तुम पे जो तो मॉब लिंचिंग का गुनाह दाखिल करेंगे, ऐसा बोल के जो एक प्रकार का धमकाने का काम जो है तो हम जैसे पुढ़ारी को जो तो शिष्टा उदार साहब ने किया है। अगर कहीं भी घटना होती है सिल्लोर शहर में तो हमें फोन आता है और हमें जो तो जाना पड़ता है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन अधिकारी जो है तो इसी इस तरह के बात करता होगा कि यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता जो राजकीय पुढ़ारी ने आना नहीं चाहिए, तो एक गलत भाषा जो है शेषराव उधार की बुधवंत की है। अब इसके आगे हम इनकी ये जो तो बात जो है तो हम सुन के नहीं लेंगे, इसीलिए आज हमने जो तो सर्वपक्षीय निवेदन दिया और इसमें जो तो सभी पक्ष के जो तो लोग शामिल थे, माजी नगर अध्यक्ष बनेका पठान, कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष भास्कर पाटिल घायवट, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फिरोज, राष्ट्रवादी युवक के शरद पवार गट के शेख अमान, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गट के अक्षय पाटिल, वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे मित्र करूबा जगताप, संभाजी ब्रिगेड के काका साहब मोरे, वो सभी लोग जो आज इस निवेदन देने के टाइम पे हाजिर थे और हमारी एक ही मांग है क्या, बस सिल्लोर शहर का अवैध धंधे चिकली सट्टा पट्टा मटका गाजा जो भी चल रहा है बंद किया जाए और ताबड़तोक शहर पुलिस निरीक्षक शेषराव उदार
और रामानंद बुद्धन की बदली की जाए, क्योंकि रामानंद बुद्धन में देख रहा हूँ पिछले अनेक साल से जो तो मुस्लिम बच्चों को टारगेट करते आ रहा है और गलत भाषा का वापर कर रहा है। तो इसीलिए आने वाले समय में, अभी तो हमने डीएसपी साहब को कहा है जल्द से जल्द जो तो सट्टा पट्टा बंद हो जाए, इन दोनों की बदली की जाए। अगर बदली नहीं होती है, सट्टा पट्टा बंद नहीं होता, तो दिवाली के बाद हम उप विभागीय कार्यालय के सामने हम उपोषण को बैठने वाले सर्वपक्ष मिलकर, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। हमें जो तो उपभाग अधिकारी दिनेश कोले साहब से हमें आशा है कि वो हमारी मांगने को मान्य करके शेर में जो गलत धंधे चल रहे हैं मटका सटका बंद करेंगे और दोनों अधिकारियों की बदली करेंगे। हम उम्मीद हमें दिनेश कोले साहब से, आगे देखते हैं क्या होता है। अनिश भाई, इससे पहले देखा गया कि अभी सट्टा पट्टा सब बंद था, लेकिन ये सब नए अधिकारी आने की वजह से सट्टा पट्टा सब चालू हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, पिछले अनेक वर्षों से सिल्लोर शहर में सट्टा पट्टा सभी बंद था, लेकिन जब से शेषराव उदार साहब यहाँ पे आए हुए तब से सभी ये आम हो गया है। जगह 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 पे रिक्शों के अंदर सट्टा लिया जा रहा है, पान की टपरियों पे सट्टा लिया जा रहा है, बस स्टैंड पे सट्टा लिया जा रहा है, होटलों के अंदर जो तो सट्टू पट्टू के क्लब चालू है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर जो है तो पार्टनर कौन है, तो पुलिस कर्मचारी, सिल्लोर शहर के बहुत से पुलिस कर्मचारी है जो अवैध धंधे सिल्लोर शहर में कर रहे हैं, उनके नाम मेरे पास है, टेम आने पर उनके नाम भी मैं जो तो अब एसपी साहब को मिलकर देने वाला हूँ, क्योंकि सभी जानकारी लेना चालू है, कहा अवैध धंधे चालू है, कहा नहीं, सबके हम वीडियो शूटिंग फोटो वीडियो निकाल के हम सब प्रूफ जमा करेंगे, और उसके बाद अगर दिनेश कोले साहब ने हमारी मांगनी माननी नहीं की तो बड़ा आंदोलन तो छेड़ा ही जाएगा, और इसके बाद हम पुलिस अधीक्षक कालवानिया साहब से भी मिलेंगे। अगर कालवानिया साहब भी हमारी बात तरफ नजरअंदाज करते हैं तो बम्बई मंत्रालय में जो है तो अजीत पवार और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके इन सभी हरकतों को इनके कान पे बात हम डालने वाले हैं।